Hi guys, welcome to my YouTube channel Rambler Runner. मैं हूँ आपका होस्ट दोस्त पीसी. Guys, आज इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने वाला हूँ अबाउट द मसल क्रैम्प्स. तो जो लोग रेगुलर बेसिस में फिटनेस में हैं, रेगुलर बेसिस पे एक्सरसाइज करते हैं, उन लोगों के लिए तो एक फैमिलियर टर्म है मसल क्रैम्प्स. गाइज, मसल क्रैम्प बहुत ज्यादा दुखदायी हो सकता है, बहुत ज्यादा पेनफुल हो सकता है ऑन योर पाथ टुवर्ड्स द फिटनेस गोल. हमारे बॉडी के जो मसल फाइबर्स होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं अनएक्सपेक्टेडली और कभी कभार तो बिना किसी वार्निंग के. आपको पता भी नहीं चलेगा, आपको किसी भी तरीके की वाइब्स नहीं आएगी और आपके मसल में क्रैम्प हो जाएगा जो बहुत ज्यादा पेनफुल हो सकता है एट टाइम्स. और कोई पर्टिकुलर टाइमिंग नहीं है, जरूरी नहीं है कि आपको एक्सरसाइज के दौरान ही मसल क्रैम्प होगा, एक्सरसाइज के बाद भी आपके मसल में क्रैम्प आ सकता है. एंड काफी लोगों को लगता है कि सिर्फ बिगिनर्स जो होते हैं, जो लोग नए जाते हैं जिम में, जो लोग जिन्होंने नया नया स्टार्ट किया होता रनिंग, उन्हीं को सिर्फ मसल में क्रैम्प आता है. नहीं गाइस, किसी भी लेवल के एथलीट्स, वेदर आई टॉक अबाउट द प्रोफेशनल्स, आई टॉक अबाउट द एडवांस लेवल एथलीट्स, सभी लेवल के एथलीट्स को मसल में कभी ना कभी किसी भी टाइम पर मसल में क्रैम्प आ सकता है. एंड जो इसके मेनली अफेक्टेड एरियाज रहते हैं वो रहेंगे काब मसल्स, आपके आपके थाइस एंड आपके फीट. सो गाइस, इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने वाला हूँ व्हाट आर द कॉजेज ऑफ द मसल क्रैम्प्स. अगर आपके मसल में क्रैम्प आ जाता है तो आपको क्या करना है और प्रिवेंट क्या कैसे कर सकते हैं मसल क्रैम्प को, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा. विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड. तो गाइस, सबसे पहले बात कर लेते हैं व्हाट आर द कॉजेज ऑफ द मसल क्रैम्प्स. तो गाइस, अगर मैं साइंटिफिक एविडेंस की बात करूं, अगर मैं रिसर्च की बात करूं, तो टिल डेट कोई भी एक फुल प्रूफ साइंटिफिक एविडेंस नहीं है, कोई एक रिसर्च नहीं हुई है जिसके बेसिस पे ये कहा जा सके कि एक पर्टिकुलर फैक्टर है या फिर देयर इज कुछ पर्टिकुलर फैक्टर्स हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं टुवर्ड्स द मसल क्रैम्प. जो चीज साइंटिफिकली प्रूवन है वो ये है कि हमारी बॉडी के अंदर क्रैम्प्स जो होते हैं, दीज आर कनेक्टेड टू हाउ द मोटर न्यूरॉन्स फंक्शन. स्टिल गाइज, बहुत सारे फैक्टर्स है जो कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे टूवर्ड्स द मसल क्रैम्पिंग. इसके अंदर इंक्लूडेड रहेंगे हैवी ट्रेनिंग लोड, मीन्स आप जो ट्रेनिंग कर रहे हैं आपने उसके अंदर लोडिंग जो की है बहुत ज्यादा हैवी, आपने लोड्स उठाने शुरू किए हैं, बहुत ज्यादा हैवी आप इक्विपमेंट ट्रेनिंग कर रहे हैं, आपने अपनी ट्रेनिंग की इंटेंसिटी बहुत ज्यादा बढ़ा दी है, बहुत ज्यादा ब्रूटल है आपका वर्कआउट, आपने कोई नया ट्रेनिंग प्रोग्राम अपने ट्रेनिंग स्केड्यूल में इनकॉर्पोरेट किया है जिससे आप पहले फैमिलियर नहीं थे. नेक्स्ट गाइस, लैक ऑफ स्लीप, आपकी नींद पूरी नहीं हुई जिसकी वजह से आपकी इंटायर बॉडी के अंदर एक टाइटनेस, एक टायर्डनेस ही है. आपने स्ट्रेचिंग नहीं की है जिसकी वजह से आपका मसल रिलैक्स नहीं किया कर पाया है. नेक्स्ट गाइस, डाइट और न्यूट्रिशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी बॉडी के लिए. तो अगर आपने प्रॉपरली डाइट नहीं लिया, प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं लिया, तो उसकी वजह से भी मसल क्रैम्पिंग हो सकता है. हाई टेम्परेचर गाइस, जैसा कि आप लोगों को पता है कि गर्मियां बहुत ज्यादा आ चुकी हैं, तो ऐसे में मसल क्रैम्प होना बहुत ज्यादा इजिली हमारा मसल क्रैम्प हो सकता है, लाजमी हमारा मसल क्रैम्प होना. एंड गाइस, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है दैट इज द इलेक्ट्रोलाइट एंड द मिनरल इंबैलेंसेस. डिहाइड्रेशन, हमारी बॉडी के अंदर डिहाइड्रेशन हो गई है जिसकी वजह से इजिली मसल क्रैम्प हो सकता है. सो गाइस, दीज आर द फ्यू ऑफ द कॉजेज जिसकी वजह से हमारी बॉडी में मसल क्रैम्प हो सकता है. गाइस, अब बात कर लेते हैं कि अगर आपके मसल में क्रैम्प डेवलप हो जाता है तो आपको क्या करना है. तो फर्स्ट ऑन द लिस्ट विल बी द रेस्ट. गाइस, रेस्ट इज द बेस्ट. तो जो भी आप कोई फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, जो भी आप अपना ट्रेनिंग रेजीम फॉलो कर रहे हैं, उससे थोड़ी टाइम के लिए आपको ब्रेक ले लेना है और कंप्लीट रिलैक्सिंग मोड में आपको चले जाना है. इससे क्या होगा गाइस, जो काफी टाइम से थ्रू द रिग्रेस एक्सरसाइज, थ्रू द ब्रूटल एक्सरसाइज, जो आपके मसल्स के ऊपर, जो आपके मसल फाइबर के ऊपर लोड पड़ रहा था वो कम हो जाएगा, आपका मसल रिलैक्स करेगा, जो भी टेंशन डेवलप हुई है वो कम होनी शुरू हो जाएगी एंड पॉसिबिलिटी है कि जो मसल क्रैम्प की वजह से पेन डेवलप हुआ है वो भी बिल्कुल खत्म हो जाए. नेक्स्ट ऑन द लिस्ट विल बी गाइज स्ट्रेचिंग. तो स्ट्रेचिंग बहुत ज्यादा आपके लिए जरूरी है गाइज. इसके ऊपर मैं 3 फुल फ्लेज्ड वीडियोस अपने चैनल पे ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, तो प्लीज उन 3 वीडियो को जरूर देखिएगा जिसके अंदर मैंने आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है अबाउट द स्ट्रेचिंग, डिफरेंस आपको समझाया अबाउट द डायनेमिक स्ट्रेचिंग, स्टैटिक स्ट्रेचिंग. तो स्ट्रेचिंग बहुत ज्यादा जरूरी है. वर्कआउट से पहले आपको डायनेमिक स्ट्रेचेस करनी है, वर्कआउट खत्म करने के बाद में आपको स्टैटिक स्ट्रेचेस कंप्लीट करनी है. तो स्ट्रेचिंग से क्या होगा गाइस, जो भी टेंशन डेवलप हुआ है हमारे मसल के अंदर वो खत्म हो जाएगा. तो स्ट्रेचिंग इज मस्ट. तो गाइस, फाइनली बात कर लेते हैं हाउ टू प्रिवेंट द मसल क्रैम्प. तो जैसा कि आप लोगों को पता है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर. तो अब मैं आपको कुछ ऐसे मेजर पॉइंट्स बताने वाला हूँ, कुछ आपको ऐसे टिप्स देने वाला हूँ दैट विल हेल्प टू प्रिवेंट द मसल क्रैम्प. सो फर्स्ट ऑन द लिस्ट विल बी द रिलैक्सेशन एंड द स्ट्रेचिंग. सो गाइस, जैसा कि मैंने अभी प्रीवियस पॉइंट में ही आपको बताया था कि स्ट्रेचिंग बहुत ज्यादा आप लोगों के लिए जरूरी है. इट इज इंपॉर्टेंट टू इनकॉर्पोरेट स्ट्रेचिंग एंड द रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस इन योर ट्रेनिंग प्रोग्राम टू प्रिवेंट एनी सॉर्ट ऑफ द मसल क्रैम्प.
नेक्स्ट ऑन द लिस्ट विल बी गाइज ईटिंग अ वेल बैलेंस्ड न्यूट्रिशियस डाइट. एक अच्छी हेल्दी डाइट को गाइज आपको फॉलो करना है विच इज हैविंग ऑल द मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन, कार्ब्स और हेल्दी फैट्स उसके अंदर हुई हो. साथ ही गाइज आपको ध्यान रखना है कि उसके अंदर अच्छे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी होने चाहिए. अ वेल बैलेंस्ड डाइट हैविंग गुड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, गुड विटामिंस एंड द मिनरल्स, क्योंकि जैसा कि ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि मिनरल इम्बैलेंस भी एक कॉज है फॉर द मसल क्रैम्पिंग. नेक्स्ट गाइज यू हैव टू गेट इनफ स्लीप. स्लीप बहुत ज्यादा जरूरी है आपके लिए. यू हैव टू गो फॉर गुड 7 to 8 hours स्लीप ताकि आपके बॉडी के अंदर आपकी बॉडी रिलैक्स हो सके, किसी भी तरीके की टाइटनेस आपके बॉडी के अंदर ना हो, एक टायर्डनेस ना हो जिसकी वजह से भी मसल क्रैम्प हो सकते हैं. नेक्स्ट गाइज बहुत ज्यादा जरूरी है टू हाइड्रेट, रिहाइड्रेट योर सेल्फ. मैं हमेशा आपको बताता आया हूँ कि वॉटर इज अ मिराकुलस ड्रिंक. पानी किसी भी एनर्जी ड्रिंक, किसी भी स्पोर्ट्स ड्रिंक से 100 times बेटर है. और जैसे कि गर्मी आ चुकी है तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप पानी को पीते रहे ताकि आपके बॉडी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस ना हो, मिनरल इंबैलेंस ना हो. बिकॉज पानी, जैसे मैं हमेशा बताया हूं कि जितने भी जब हम स्वेटिंग होगी तो जितने भी मिनरल्स हैं हमारी बॉडी से जो स्वेटिंग के थ्रू बाहर निकलेंगे, वेदर आई टॉक अबाउट पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, तो उनको पुश ऑन करेगा. तो पानी और सोडियम जैसा मैंने बताया आपको, उसको पुश ऑन करेगा. तो इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस के लिए पानी बहुत ज्यादा जरूरी है आप लोगों के लिए. फाइनली गाइज आपको अपने आप को और अपनी बॉडी को किसी भी ट्रेनिंग प्रोग्राम या किसी भी वर्कआउट प्रोग्राम को यूज टू होने के लिए टाइम देना है. गाइज अगर आप अपनी ट्रेनिंग की इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं तो उसको ग्रेजुअली इंक्रीज करना है, एकदम से इंक्रीज नहीं करना है. सिमिलर गोल्स अगर आप हैवी इक्विपमेंट ट्रेनिंग कर रहे हैं तो आपको लोड को, आपको वेट्स को ग्रेजुअली इंक्रीज कर देना है. टाइम के साथ में हर चीज पॉसिबल होती है गाइज. अगर आप एकदम से हैवी ट्रेनिंग करने लग जाएंगे तो आपकी बॉडी के ऊपर एकदम से लोड पड़ेगा जिसकी वजह से मसल क्रैम्प्स हो सकते हैं. सो गाइज दिस वॉज माई कंप्लीट वीडियो ऑन द मसल क्रैम्प्स. आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा. पसंद आया तो क्या करना है, मेरी वीडियो को लाइक करना है, साथ ही इसे शेयर करना है एंड कमेंट करके जरूर बताना है आपको वीडियो कैसा लगा. मिलता हूं गाइस आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन स्टे फिट, स्टे हेल्दी एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल रामलर रनर. बाय गाइस.